हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। और शिक्षक बनने की आस से बेरोजगारों ने यहाँ पे छोटा सा प्रयास किया है और इस प्रयास का हिस्सा बने हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया करने के लिए लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं और हमारा भी प्रयास है कि ये भर्ती पूरी जल्द से जल्द हो जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उत्तराखंड में जो भर्ती हो TT बेस पर हो या एयरवेज बेस पर हो, लेकिन यहाँ पर जो है भर्ती कम्प्लीट हो जाए। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि जो भर्ती है वो कम्प्लीट हो जाए। इसीलिए मैंने आप लोगों से पिछली बार में वीडियो में कहा था कि जिसके पास यहाँ पे हाई कोर्ट का जो यहाँ पे नंबर्स है, केस नंबर जिसके पास पड़ा है, वो प्लीज़ कमेंट करके दे दें। तो अभी तक मुझे ये कमेंट बॉक्स में किसी ने कर नहीं रखा है। जिसके पास भी है तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि मैं हाई कोर्ट जाने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, तो वहाँ से मैं पता कर सकता हूँ कि जो इसके केस है, कब इसकी हियरिंग होने वाली है इस मामले में। और कुछ बेरोजगारों ने यहाँ पर जो है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर जो है पूरी करने के लिए यहाँ पर मांग कर रखी है, और उनका जो है मैं साथ देना चाहता हूँ। बिल्कुल ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि भर्ती प्रक्रिया किस बेस पर हो, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी हो, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो भर्ती प्रक्रिया पूरी ना हो। लेकिन बेरोजगार साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, इस भर्ती को जल्द से जल्द सभी लोगों को यहाँ पर पूर्ण करने की यहाँ पर आवश्यकता हो सकती है। और इनका कहना ये भी है कि कुछ लोग यहाँ पर निरस्त कराना चाहते हैं भर्ती को, लेकिन हम जो है पूर्ण करने की यहाँ पे कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तो इस भर्ती में क्या क्या कहना है इनका, इसमें देख लेते हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने की मांग। तो यहाँ पे जो है पूर्ण कराने की यहाँ पे जल्दी से मांग कर रखी है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, प्रशिक्षित बेरोजगारों ने बैकलॉग और सामान्य अभ्यर्थी के 750 पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग कर रखी है। और यहाँ पर देखिए BEd TT पास बेरोजगारों ने कहा है कि दिसंबर 2018 में जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की यहाँ विज्ञप्ति जारी की गई थी, और इसके बाद से मार्च और जून में जो है यहाँ पर 2019 में दो बार आवेदन मांगे जा चुके थे, ठीक है ना। तो मार्च व जून में जो कि आवेदन मांगे जा चुके थे, और लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया को अब तक पूरा नहीं किया जा सका। तो यहाँ तो अभी तक जो है इस भर्ती को पूरा नहीं किया जा सका, इनका कहना है। और इन्होंने कहा है कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के चलते भर्ती को यहाँ पर निरस्त कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग अपना निजी स्वार्थ के लिए इस भर्ती को पुराना जो है निरस्त कराना चाहते हैं। तो ये जो है इनका कहना है, जो कि पल्लवी है पंकज, यहाँ पर आप लोग नाम देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर इनका इनका कहना है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो जल्दी ही पूर्ण हो सके।